लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। आज इन सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जहां प्रत्याशियों में 146 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करेगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ समेत 162 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। वहीं छठे चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल हैं। लेकिन हम बात करेंगे यूपी की 3 हॉट सीटों की। छठे चरण में यूपी की पहली चर्चित सीट है सुल्तानपुर, जो कि इस चुनाव में एक चर्चित सीट बनी हुई है। यहां से भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनावी मैदान में है, जिनके सामने सपा ने पूर्व विधायक रामभुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने जिला पंचायत सदस्य उदराज वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा से मेनका गांधी ने 56.37% वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। यूपी की दूसरी चर्चित सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के भतीजे और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट पर मैदान में हैं, जिनके सामने भाजपा ने भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर भरोसा जताया है, जबकि बसपा ने मशहूद अहमद को मैदान में उतारा है। वहीं 2019 के चुनाव में आजमगढ़ सीट पर सपा से अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में आजमगढ़ में 57.56% मतदान दर्ज किया गया था। बात करें यूपी की छठे चरण की तीसरी और आखिरी चर्चित सीट की, तो वो है जौनपुर। लोकसभा चुनाव में यूपी का जौनपुर सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाला क्षेत्र रहा है, जहां चुनाव की घोषणा के साथ ही लगातार उलटफेर होते रहे हैं। इस सीट की चर्चा बाहुबली नेता धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के चुनाव नहीं लड़ पाने और नाटकीय घटनाक्रम में भाजपा का समर्थन करने के कारण और होने लगी। बता दें जौनपुर में भाजपा के कृपा शंकर सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव से है। फिलहाल दो छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 35.73% मतदान हो चुका है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, इसलिए किस हॉट सीट पर कौन बाजी मारने में कामयाब होगा इसका सही जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।